तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में आप सबको स्वागत है। तो यार, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना है और वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैंने 2022 बैच के स्टूडेंट के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 8 to 9 वीडियोज होने वाली है 2022 बैच के स्टूडेंट के लिए। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और 1 by 1 वीडियो को देख के उसके लिए अप्लाई करना। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में पूरा डिस्कस किया हूँ, ऐड किया हूँ प्लेलिस्ट में, तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आ रही है हरविंगर कंपनी की तरफ से आ रही है, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है और काफ़ी अच्छी पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है, तो अप्लाई करना। पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जो जो बैचेज अलाउ हैं, अगर आप 2018, 2019, 2020, 2021 बैच के पास आउट हैं तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन में कंपनी के द्वारा मेंशन किया गया है, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमई किया है, एमटेक किया है, और एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी है मल्टीपल बैचेज के लिए होने वाली है। तो ईयर आप पासिंग 2018, 2019, 2020, 2021 बैच पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, और बी बीटेक एमई एमटेक इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने सीएससी से बीटेक किया है, ईसीई से किया है, ट्रिपल ई से किया है या आईटी से किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन होने वाली है, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है कंपनी। तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, मल्टीपल पोजीशन और रोल के लिए हायरिंग हो रही है। और स्टूडेंट हु अटेंड एनी इंटरव्यू विथ हरविंगर ग्रुप इन लास्ट सिक्स पास्ट सिक्स मंथ कैन नॉट अटेंड दिस ऑफ कैंपस ड्राइव। अगर आपने पहले 6 महीने के बीच में पहले से कंपनी के इंटरव्यू को अटेंड कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम सिर्फ 6 महीने या उससे ऊपर होना चाहिए तभी आप इसमें बैठ सकते हो या अप्लाई कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हरविंगर जैसी बिग कंपनी में अप्लाई नहीं किया है या आपने लास्ट 6 महीने में किसी भी प्रोसीजर या प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना। और जो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है CTC 3.5 लाख पर एनम का होने वाला है, और जॉब रोल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एम्प्लॉयमेंट विल बी कन्फर्म एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग ख़त्म होगी वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल पे इनरोल कर दिया जाएगा। और जो एक्सपीरियंस होने वाला है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होने वाली है कि कोई भी बॉन्ड नहीं होने वाला है। जो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया है, बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम लाइक RDMS, नो SQL, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, शुड बी वेल वर्स विथ एनी द वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज Java.NET, PHP, ROR, Python, etc. तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और सब मैंने आप सबको पूरे डिटेल में बता दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ओपन करके सारी चीज़ों को रीड आउट करना, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना। और उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। तो अप्लाई करना अगर आप 2018, 2019, 2020, 2021 बैच के पास आउट हैं या अभी 2021 में पास आउट हुए हैं तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छी और बिग अनाउंसमेंट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब आ रही है टाटा एलेक्सी कंपनी की तरफ से आ रही है, तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी, आप सबको पता है कंपनी टाइम टू टाइम हायरिंग करती रहती है। यहाँ पे ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट,
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021-22 बैच के लिए होने वाला है। तो अगर आप 2021 बैच में पास आउट हुए हैं या अभी 2022 में पास आउट होने वाले हैं, तो आप सबके लिए टाटा कंपनी की तरफ से काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है, बिग अपॉर्चुनिटी है। तो अप्लाई करना अगर आप 2021-22 बैच के स्टूडेंट हैं। चलो और भी सारी चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। जो एलिजिबिलिटी होने वाले ईयर ऑफ पासिंग 2021-22 बैच स्टूडेंट ओनली, जो यहाँ पे एजुकेशन होने वाला है, अगर आपने बी किया है, बी टेक किया है, एम ई किया है, एम टेक किया है, एम ई एस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एम सी ए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एम एस सी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और विथ नो बैकलॉग्स एंड नो मोर देन 1 ईयर गैप इन एजुकेशन। तो कंपनी के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। जो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया गया, अगर आपका परसेंटेज 60% या उससे अबव है, या सी जी पी ए में हम बात करें तो अगर 6.0 सी जी पी ए है या उससे अबव है, आप सब एलिजिबल होने वाले हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो। 10th और 12th में भी 60% या उससे अबव होना चाहिए, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, एम्बेडेड साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग ओनली नीड टू अप्लाई। तो इतने लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा मेंशन किया गया है, पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको नीचे आके यहाँ पे टिक करना है जिस भी बैच में आप पास आउट होने वाले हैं या हो गए हैं 2021-22 बैच में, और आपका अपने कॉलेज का नाम क्या है, स्टेट क्या क्या है। तो सिंपल सा आपको फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देना है, काफ़ी इजी प्रोसेस होने वाला है। सब कुछ फिलअप करके यहाँ सबमिट नाउ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है और अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोज हु विल बी इनवाइटेड टू टेक द 120 मिनट्स ऑनलाइन प्रोटेक्टेड टेस्ट वर्बल, तो यहाँ पे 120 मिनट्स का जो फर्स्ट स्टेप होने वाला, उसमें टेस्ट होगा आपका 120 मिनट का ऑनलाइन होगा, जिसमें आपसे वर्बल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालिटिकल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग MCQ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोडिंग के भी क्वेश्चन होंगे, विच विल बी इन्फॉर्मिंग यू वेल इन एडवांस। तो इतनी सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप में होने वाली, फर्स्ट स्टेप में आपका असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो भी आने वाला है मैंने आप सबको बता दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई करना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो यहाँ पे फिनोइड कंपनी के द्वारा आ रही है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पोजीशन के लिए, फॉर 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कंपनी ऑफर कर रही है CTC 3.7 पर 5 लाख पर एनम टू 4.25 लाख पर एनम का होने वाला है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना। और ये जॉब नोएडा लोकेशन के लिए आ रही है, तो काफ़ी अच्छी और बिग अनाउंसमेंट है नोएडा लोकेशन के लिए। जॉब लोकेशन नोएडा और वर्क फ्रॉम होम दोनों हो सकती है, हो सकता है आपको नोएडा लोकेशन पे जाना पड़ जाए या वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ ओपनिंग है 10 ओपनिंग है, तो अप्लाई कर देना जल्द से जल्द। और कौन से बैच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो 2021 बैच के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट BBTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% या उससे अबव होना चाहिए ग्रेजुएशन और 10th 12th दोनों में, और नंबर ऑफ ओपनिंग 10 होने वाली है। और जो इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है, फर्स्ट राउंड भी 120 मिनट्स का होगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग राउंड होगा। सेक्शन 1 में सिंगल चॉइस एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में करने हैं। सेक्शन 2 में सिंगल चॉइस क्वेश्चन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस के होंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट्स में। और सेक्शन 3 में कोर कोडिंग राउंड होगा और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 75 मिनट्स में करने हैं। सेकेंड राउंड में आपको टेक्निकल इंटरव्यू होगा फेस टू फेस विथ टेक्निकल पैनल, और 3rd राउंड में HR इंटरव्यू होगा फेस टू फेस विथ HR पैनल। और सैलरी और ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो होने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ का है, अगर ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका,
और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है, जो CTC ऑफर हो रही है 3.1 लाख पर एनम की होने वाली है, जो अपग्रेड होकर 4.2 लाख पर एनम की हो जाएगी इफ़ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग पीरियड में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, एक्सीलेंट रहती है, तो आपकी यहाँ पे जो सैलरी होने वाली 4.2 लाख पर एनम की होने वाली है। तो यहाँ पे 2 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट भी होने वाला है, तो आपको कंपनी में 2 ईयर्स का वर्क करना ही होगा। अगर आप उसके बीच में कंपनी को स्विच करते हो तो आपको 1.50 लाख पर एनम को यहाँ पे पेनाल्टी चार्ज देना होगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल है यहाँ पे रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सैलरी मैंने आप सबको बता दिया है, फंक्शन एरिया सॉफ्टवेयर का है और ये फुल टाइम परमानेंट जॉब होने वाली है। और यहाँ पे की स्किल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस BE, फ्रेशर IT, BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजुकेशन में BE BTech की नई नई स्पेशलाइजेशन। तो अप्लाई करना, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, बिग अनाउंसमेंट है नोएडा जैसी बिग लोकेशन के लिए, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है थी मैंने आप सबको पूरा डिटेल में बता दिया है, काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। और अगर आप चैनल पे नए वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन होता रहता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज।